आज हम बात करने वाले हैं Adobe Photoshop 7.0 पर स्टेप लॉगो कैसे क्रिएट करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित वर्मा और आप देख रहे हैं Adobe Info। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको Adobe Photoshop खोल लेना है। यहाँ पर आपको कंट्रोल एन प्रेस करके एंटर कर देना है। कंट्रोल एन प्रेस करके आपको ये साइज ले लेना है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पर टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट लेने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे ब्लैक कर लेना है। एंटर करेंगे, यहाँ पर आप यू लिख लेंगे। ओके, यू लिखने के बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये ले लेता हूँ, ये वाला। ओके, यू करेंगे। यू करने के बाद अब आप राइट करेंगे। राइट करने के बाद अब आपको यहाँ पर दूसरी लेयर में कन्वर्ट करना है एंड सेकंड लेयर बनाएंगे इसकी। ओके, करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट लेयर को सबसे पहले लेंगे। लेने के बाद अब आपको इस तरीके से कर देना है। ओके करेंगे, ऐसी सेकंड लेयर को करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करके आपको ये इस साइड कर लेना है। ओके, एंटर करेंगे, इसे यू इस तरीके से रखेंगे। ओके, रखने के बाद अब आपको यहाँ पर पेन टूल ले लेना है और यहाँ पर ये ले लेना है। ओके, यहाँ पर एक बिंदी लगाएंगे, ऐसी एक यहाँ लगाएंगे। ओके, लगाने के बाद ये इस तरीके से लगा दी, इसे इस तरीके से करके ऐसे लगाएंगे। ओके, यहाँ पर एल्ट क्लिक करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ओके, करने के बाद अब आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है। ओके, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये थोड़ा सा यहाँ से रह गया, कोई बात नहीं। हम यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। कंट्रोल डी कर देंगे। ओके, यहाँ से इस तरीके से लेंगे। उधर लग दो थोड़ा सा। इस तरीके से लेने के बाद ऐसे करेंगे, डिलीट कर देंगे। ओके, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ऐसे ही इधर से कर लेंगे। फिनिशिंग के लिए कर रहा हूं मैं। ओके, ये इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही यहां से करना है आपको। इस तरीके से। ओके, ये इस तरीके से करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और आप इसे इस तरीके से मिला दीजिए। ओके, तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पर आएंगे, इसे इस पर कर लेंगे। ओके, कोई भी कलर ले लीजिए, ऐसे करेंगे। अब आपको कंट्रोल डी प्रेस करके इसे थोड़ा सा इस तरीके से कर लेना है, यहाँ पर रखेंगे ऐसे। ओके, इसे भी दूसरी लेयर में कन्वर्ट करेंगे। कंट्रोल दबाने के बाद अब आपको यहाँ पर कंट्रोल एक्स प्रेस कर देना है तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर करना है आपको। इस पर क्लिक करना है एल्ट कंट्रोल के साथ और ऐसे ही यहाँ पर कर देना है कंट्रोल एक्स, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ओके,
होने के बाद अब आपको इन्हें ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद अब इसे आप डिलीट कर देंगे इस तरीके से। ओके, तो आपका ये अब इस तरीके से बन जाएगा। अब आप बैकग्राउंड ब्लैक भी कर सकते हैं, मैंने ये रखा है, ये मुझे अच्छा लग रहा था। ओके, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ। ओके, ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, इसे बीच में कर लेंगे। ओके, ऐसे ही इसे कर लेंगे। एंड अब आपको यहाँ पर इसे ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद इसे भी बीच में कर लेना है, कंट्रोल डी करेंगे तो आपका लोगो इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। एक बात और बता देता हूँ मैं, ये मैं यूट्यूब पर देख रहा था एस टाइप लोगो कहीं है तो नहीं, लेकिन ये वहाँ पर नहीं था, इसलिए मैंने सोचा आज कुछ अलग टाइप से आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये इस टाइप से है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।